बहुत सालों बाद आई थिंक आज दो भाइयों की कहानी को लेकर एक फिल्म बनाई जा रही है, दो भाइयों पे फोकस किया जा रहा है। तो वो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों ने रिसर्च किया, और जब मुझे नरेशन दिया कबीर सर ने फिल्म के बारे में, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दो भाइयों के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि मेरे हिसाब से हमेशा दो भाइयों का जो भाई भाई का जो रिश्ता है वो हमेशा अंडर एस्टिमेटेड रहा है। लोगों को लगता है बहनों का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, या बहनें अपने भाई को बहुत प्यार करती है, या भाई अपने बहन को बहुत प्यार, लेकिन एक भाई भी अपने भाई को उतना ही प्यार करता है। ये बहुत सेंसिटिव सी कड़ी थी जो कबीर सर ने जोड़ दी। और तो जब मुझे बताया गया फिल्म के बारे में, तो मैंने स्क्रिप्ट ली, स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल के स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त मैं दो तीन जगह पर रोने भी लगी हूँ, मेरी आंखें भर गई थी कि आई एम श्योर पीपल विल लव इट व्हेन दे सी द फिल्म। तो उसके बाद मेरा रिसर्च ये था कि एक्चुअली मेरे पांच भाई बहन हैं, और मेरा छोटा भाई शोजिल मेरा एसोसिएट हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरा एसोसिएट है, कोरियोग्राफर असिस्टेंट है। तो हम दोनों ने बैठकर हमने अपनी दोनों की स्टोरी बना दी, हम दोनों ने अपने आप को उनके कैरेक्टर में डाल दिया। रेसल हॉल के अंदर हम दोनों ही साथ में करते रहे कि यू नो इफ़ ही इज़ माई यंगर ब्रदर व्हाट वुड आई लाइक टू डू, गाल पे हाथ लगाने वाला स्टेप आ गया, पीछे से जाके हक करना हो वो, अगर कुछ अगर वो अच्छा डांस करता है मेरा भाई तो मैं उसको कितने प्यार से देखती हूँ। तो ये जो हम दोनों भाई बहन के बीच की जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो हमने जोड़कर, अपनी कोरियोग्राफी जोड़कर, और सलमान सर और सोहेल सर क्योंकि दोनों भाई हैं तो मुझे पता था वो दोनों भाइयों के बीच में भी छोटी छोटी बातें होती होंगी, और हमने जब करके दिखाया दे गॉट कनेक्टेड एंड इवन दे आर बिकॉज दे आर रियल रियल ब्रदर सिस्टर, तो उनके भी जो इनपुट्स आए वो बहुत रियल और बहुत ज़्यादा रियल लगे, तो लोग इसलिए कनेक्ट होते चले गए। सी एक्चुअली स्टेप्स बनाना वो थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि पहली बात तो सब जानते हैं सलमान सर का एक यूनिक डांसिंग स्टाइल है और ऑडियंस लव्स इट। तो पहले दिमाग में बात आती है कि कुछ भी हो जाए एक स्टेप तो चाहिए जो ऐसा हो। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वॉज के बहुत स्ट्रिक्ट कबीर सर का एक नरेशन था मुझे बहुत स्ट्रिक्ट के हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिल्म 1960s और 62 की है, तो उस वक्त के माहौल में जाना पड़ेगा, हम आज के माहौल में रह के नहीं सोच सकते। तो उस वक्त के माहौल में जाने के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे इंटरनेट पे बहुत कम चीज़ें मिली, लेकिन मैंने कलेक्ट करना शुरू किया, मेरे डिज़ाइनर्स को बोलकर उस वक्त के चीज़ें कलेक्ट की, कुछ डांस के क्लिप्स कलेक्ट किए, और पुरानी फिल्में देखी मैंने, क्योंकि मैं खुद पुरानी फिल्मों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो 1960, 62, 65 तक की पूरी पुरानी फिल्में देखी हमने। एक दो फिल्में सलमान सर ने खुद सजेस्ट की थी सॉन्ग देखने के लिए, वो देखे, बॉडी लैंग्वेज देखा, लेकिन उसके बावजूद भी इनका एक कैरेक्टर है फिल्म में, एक यूनिक कैरेक्टर है, दे नॉट लाइक ओनली नॉर्मल हीरो हाई स्पीड में वॉक हो रहा है या क्लोजअप में टर्न कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। यूनिक कैरेक्टर है सलमान सर का और सोहेल सर का, दोनों के डिफरेंट कैरेक्टर्स है। अब स्टेप्स को उनके कैरेक्टर में ढाल कर दिखाना था, वो बहुत चैलेंजिंग था। और उसके अलावा आज की ऑडियंस ये फिल्म देखेगी उन्हें मायूस नहीं कर सकते ये सोच कर के स्टेप नहीं कर सके हम, क्योंकि उस ज़माने की फिल्म थी या कैरेक्टर को, और नहीं, चैलेंज यही है कि यही कैरेक्टर को ध्यान में रख के आज की ऑडियंस को भी वो स्टेप पसंद आ जाए। तो बहुत छोटी छोटी स्टेप्स को जोड़ा गया, बहुत चीज़ें चेंज की, फिर वापस से किया, ऑप्शंस में काम किया, एंड फाइनली कबीर सर एंड सलमान सर ने जो स्टेप्स पसंद की वो स्टेप्स आज सबको पसंद आए। उनके सलाह मशवरे हमेशा रहते हैं और वो बहुत एप्ट होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है टू गिव माई 200%, और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है हमेशा, क्योंकि वो खुद इतने एनर्जेटिक है, सेट पे आते ही उनकी एनर्जी देखने के लायक होती है, जैसे कि यू नो एक 15-16 साल का या 12 साल का बच्चा है, बिल्कुल एनर्जी, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ देखते हैं अच्छी तरीके से, और ही अंडरस्टैंड सो वेल एवरीथिंग, एंड वो अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुके हैं यू नो, तो ही ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स ऑल्सो हिज नॉलेज इज़ वेरी गुड। और जब भी उनके साथ काम करती मुझे लगता है कुछ भी नहीं किया अभी, तो बहुत कुछ करना बाकी है, एंड देन आई ट्राई टू डू माई 200%, क्योंकि फिर वो मुझे फिर से बुलाया और फिर मुझे काम करने का मौका मिला। आफ्टर प्रेम रतन धन पायो टाइटल सॉन्ग जो था, उतने बड़े रेंज का गाना इंडियन डांस में फिर से आएगा, जिसमें किशन जी के 7 रूप मैंने दिखाए हैं उसमें, तो लोग उनके वो रूप भी देखेंगे जो अब तक देखे नहीं है, शूट हो चुका है। राधा के भी रूप दिखाए, क्योंकि किशन जी जब राधा में समाती थी तो उनके डिफरेंट रूप आ जाते थे, तो वो भी दिखाया है मैंने।